हेलो डियर स्टूडेंट्स, दिस एआरके रिप्रेजेंटिंग एन आर्कनाइन. डियर सीएस एग्जीक्यूटिव स्टूडेंट्स, जैसे आप लोग जानते हैं ऑफ कोर्स सीरीज के बारे में फटाफट डिस्कस करने वाला हूं, लेकिन उससे पहले दो मिनट आप लोगों से बात करनी जरूरी है. ऑफ कोर्स ये सीरीज आप लोगों के पास पहुंच जाएगा. एंड अगर न्यू स्टूडेंट है, याद रखिएगा, अगर आप न्यू स्टूडेंट हैं तो मैं आपको बता दूं इस पीडीएफ को लेने का बहुत सिंपल तरीका है. जो नीचे ऑफ कोर्स ये नंबर जो शो हो रहे हैं, ऑफ कोर्स ये एनआरके 9 के व्हाट्सएप ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर्स हैं. आप अपनी रिक्वेस्ट फटाफट से भेज दीजिएगा हमको. ऑफ कोर्स मॉड्यूल फर्स्ट मॉड्यूल सेकंड की दोनों की पीडीएफ अवेलेबल है ऑफ कोर्स. सो अगर आपको याद रखिएगा, आप अगर प्रिपरेशन कर रहे हैं आने वाले एग्जाम्स के लिए, ऑफ कोर्स आ ही गए हैं एग्जाम्स के लिए, सो याद रखिएगा आपको कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट वाइज क्वेश्चंस यहां रेडी किए गए हैं जो आपकी प्रिपरेशन में डेफिनेटली हेल्प करेंगे, वो आपको मिलने वाले हैं. ऑलराइट, तो यहां से आप ले सकते हैं. एग्जिस्टिंग स्टूडेंट्स, अगर मान लीजिएगा आपके पास किसी के पास भी कोई भी पर्टिकुलर पीडीएफ नहीं पहुंचा है और आप इस वीडियो को देख रहे हैं, तो फटाफट से आप लोग हमको व्हाट्सएप कर दीजिएगा, ठीक है? आपके पास वो पीडीएफ डेफिनेटली पहुंच जाएगा. क्योंकि मैंने बताया, जैसा कि यू नो व्हाट, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स लगातार बहुत सारे स्टूडेंट्स हमको एकदम ज्वाइन किए हैं, सो थोड़ा डिफिकल्टी जरूर आया है, बट ऐसा प्रॉब्लम याद रखिएगा हम लोग उसको मैनेज कर रहे हैं इजिली, सो नॉट टू वरी अबाउट इट. और कोई भी क्वेश्चन है, क्वेरी पर्टिकुलर, तो मैं डेफिनेटली आंसर कर रहा हूँ. दिसंबर टाइम के स्टूडेंट्स अगर आप सुन रहे हैं तो ध्यान से रखिएगा, आप लोगों के लिए अमेंडमेंट के साथ में लेटेस्ट पीडीएफ रेडी की जा रही है विद आंसर शीट्स. ऑलराइट, सो आप थोड़ा सा वेट कीजिएगा, आप लोगों के लिए भी आने वाली है. और याद रखिएगा, अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं दिसंबर के लिए, तो आप क्वेश्चंस को जरूर कंसीडर कीजिएगा. अच्छा, अब यहाँ इंपॉर्टेंट क्या है, हम सुनना बेटा फटाफट से. ऑलरेडी हम लोग याद रखिएगा पार्ट ए के अंदर 4 चैप्टर्स, ऑफ कोर्स मैंने कैटेगरी आपको याद होगा, मैंने दो कैटेगरी में डिवाइड किया, कैटेगरी ए एंड कैटेगरी बी. कैटेगरी ए ऑलरेडी याद रखिएगा मैंने आपको उस चैप्टर बता दिए हैं, कैटेगरी ए में कौन से चैप्टर, कैटेगरी बी में कौन से चैप्टर्स हैं. ऑलराइट, सो कैटेगरी ए के भी मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज आपको, ऑफ कोर्स आपके पास पीडीएफ अवेलेबल हो चुकी है. कोई नया स्टूडेंट ऑफ कोर्स, मैंने जैसे बताया, आप लोग हमसे डिमांड कर सकते हैं, डेफिनेटली मिल जाएगा. ऑलराइट, अब यहाँ कैटेगरी बी के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, जैसे कि याद रखिएगा क्रिएशन ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ चार्जेस से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, एंड मेंबरशिप से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डिविडेंड से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एलजीएसआई से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. सो यहाँ पर याद रखिएगा वापस आपके लिए वो सीरीज रेडी कर दी गई है. मैं पहले एक बात इंपॉर्टेंट आप लोगों की नॉलेज में डाल दूं बेटा, ये हर एक स्टूडेंट को बहुत ध्यान समझना चाहिए. देखो, पहली बात ध्यान सुनना बेटा फटाफट से, ये पीडीएफ जो रेडी की गई है, याद रखिएगा ये बहुत प्रोबेबल क्वेश्चंस के ऊपर रेडी की गई है. इसको इंडस्ट्री स्टैंडर्ड के ऊपर बेसिस, ऑफ कोर्स इंडस्ट्री स्टैंडर्ड को देखते हुए, याद रखिएगा इंडस्ट्री स्टैंडर्ड एंड आईसी एक्सपेक्टेशंस को समझते हुए ये क्वेश्चंस रेडी किए गए हैं. सो ये आपकी एग्जाम में ऑफ कोर्स आपको डेफिनेटली हेल्प करेंगे, ठीक है? बट इट डजंट मींस दैट कि यहां पे कॉपी पेस्ट होकर जा रहा है, मतलब ऐसा नहीं है कि एनआरके 9 जो है वो आईसीएआई के लिए पेपर बना रहा है, ऐसा नहीं है. सो मैं यहां आपको क्लियर कर दूं बेटा कि ये क्वेश्चन जो तुमने रेडी किए गए हैं, ऑफ कोर्स बहुत प्रोबेबल क्वेश्चंस हैं, नो डाउट, क्योंकि एग्जामिनर इसी तरह के क्वेश्चन एक्सपेक्ट करता है, आईसीएआई यही एक्सपेक्ट करता है कि आपको ये इन पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी आपके अंदर है या नहीं है. ऑलराइट, सो ये सिली प्रोबेबल क्वेश्चंस हैं, तो इसे जरूर प्रिपेयर कीजिएगा. मतलब देखो, आप समझो फटाफट समझो, मैं आप लोगों को क्या कहना चाहता हूं. आप लोगों को देखिए, आप एग्जाम अटेम्प्ट करके आएंगे, ठीक है? जेएल का फर्स्ट एग्जाम अटेम्प्ट करके आएंगे, जस्ट आपको बस आपकी प्रिपरेशन करनी है, आपको कमरे लॉ के लिए करनी है. अब इतना सारा कई बार क्या होता है, बच्चा फटाफट से रिकॉल नहीं कर पाता, या रिकॉल कर लेता है, वेल एंड गुड, अगर कर लेते हैं तो बहुत सी बात है. अब क्या होता है, एक बार एक्साइटमेंट रहता है कि एग्जाम में जाने से पहले यार कुछ क्या देखूं फटाफट से, यार पढ़ तो सब कुछ लिया है. सो क्या करना होता है, इन्हीं क्वेश्चंस को, जितने भी पीडीएफ आपके पास अवेलेबल हो रही है, इन पीडीएफ्स को फटाफट से लेके एक बार रिकॉल कर देना प्रोविजन को, ठीक है? रिलैक्स होकर प्रोविजन को रिकॉल करना और फिर एग्जाम में पहुंच जाइएगा. सुनिएगा, एक बात बड़ी जरूरी है. देखो, मैं यहाँ पीडीएफ डेफिनेटली दे रहा हूँ आप लोगों को, मिल रहा है क्वेश्चन, आप प्रैक्टिस भी अच्छा कर रहे हैं, अच्छे रिस्पॉन्स आ रहे हैं आप लोगों के, नो डाउट. बट एक बात बड़ी इंपॉर्टेंट जो आप सबको समझ सकेंगे, देखो बेटा, एग्जाम आपकी लाइफ से ज्यादा बढ़ के नहीं है, मैं आपको बता दूं. और एग्जाम को अटेम्प्ट करने का मजा बनाइएगा. अगर आप इन दोनों बहुत ज्यादा फियर और परेशान है, तो फियर को मैनेज करिएगा. सबको लगता है, मैं बोल रहा हूँ, डर लगता है यार, क्योंकि कोई अचीवमेंट की बात हो रही है यहाँ पर, डर लगता है कि यार होगा नहीं होगा. सो थोड़ा सा मैनेज कीजिएगा. क्या करके कर सकते हैं, अपने एफर्ट्स को बढ़ा दीजिएगा, पूरी जान लगा दीजिएगा. याद देखिएगा, थोड़े दिनों की बात है, थोड़े दिनों के बाद मस्ती करने का टाइम आएगा, मस्ती कीजिएगा. सो अभी अगर मन करता है कि नहीं यार अभी बस बहुत हो गया, बस अब नहीं पढ़ना, थोड़ा सा हिम्मत और करिएगा और फिर लग जाइएगा पढ़ाई में, और अपने माइंड को बुद्धू बनाइएगा, बोलिएगा यार बस कुछ दिन की बात हो रही है, फिर तो अपन मस्ती करेंगे. ऑलराइट, सो याद रखिएगा, किसी भी तरह का हेल्प चाहिए आप लोगों को, ऑफ कोर्स जो नंबर नीचे शो हो रहे हैं, याद रखा आप लोग अपनी क्वेरी को हमको यहाँ सेंड कर सकते हैं. ऑलराइट, एंड विश यू वेरी वेरी ऑल द बेस्ट. किसी भी तरह का डर मत रखिएगा, एनआरके 9 आपके साथ में है, आप बेहतरीन है, ऑफकोर्स आप बेहतरीन है, तभी आपने सीएस को चुना है, ऑफकोर्स आप बेहतरीन है. आई विश यू वेरी ऑल द बेस्ट, टेक केयर, थैंक यू वेरी